सागर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। टीकमगढ़ जिले में आज लोकायुक्त टीम ने गोपाल सिंह मुवेल को रिश्वत लेते हुए उनके ही शासकीय आवास पर रंगे हाथों पकड़ा है। आवेदक राम सेवक अहिरवान वनपाल आवेदक की शिकायत जांच आवेदक के पक्ष में करने के एवज में 10,000 रुपये आवेदक से रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत सागर लोकायुक्त से की गई थी। जाँच उपरांत टीम द्वारा आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के अनुसार आरोपी गोपाल सिंह मुवेल उपवन मंडल जिलाधिकारी टीकमगढ़ आवेदक से रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत के आधार पर लोकायुक्त टीम द्वारा जांच की गई और जांच सही पाई जाने पर आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह रिश्वत आरोपी के शासकीय आवास पर ली जा रही थी, जहां पर टीम ने पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में लोकायुक्त टीम से अपू राजेश खेड़े, निरीक्षक अभिषेक वर्मा, निरीक्षक रोशनी जैन व विपुल स्टाफ मौजूद रहा। जी हमारे ऊपर बहुत एसडीओ साहब गोपाल सिंह मुवेल कम से कम दो माह से पहले से दबाव बना रहे थे कि माने तुम्हारे 25,000 रुपये दो, नहीं तो माने हम तो नौकरी से बर्खास्त करवा देंगे। तो हमने कि साहब किस बात की, बोले कि माने वो घनेन्द्र ने तुम्हारे विरुद्ध PUR काट दी है उत्खनन की। हमने कि वो हमारा बीट गार्ड और हमारी PUR कैसे काट सका, तो बोले नहीं काट दी है, जबकि वह फर्जी PUR है वहाँ पर ना। आप जाके माने वहाँ पर FOCR रजिस्टर में दर्ज तो होती है, तो अभी ये FOCR रजिस्टर में भी दर्ज नहीं है। उसमें हमारा नाम लिख दिया उसने और हमारी मारपीट भी करी थी घनेन्द्र खरे ने बहुत, के माने हमें देखो जी हाथ हमारे पूरे माने विकलांग जैसे हो गए हैं, चोटें आई अभी तक माने जी सूजन है। और तो हमने उसकी रिपोर्ट करी थी तो उस पर FIR दर्ज हो गई थी। अच्छा इस एवज में माने उसने माने PUR काट के वो इन्हें दे दी और बस जी जांच करा रहा है और जी हमारे ऊपर दबाव बना रहा है कि माने देखो राम सेवक तो 25,000 रुपये दो, नहीं तो माने तुम नौकरी से बर्खास्त करवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है साहब, अभी तो माने हमारे पास है नहीं और हम कहीं से कर्ज लेके करेंगे व्यवस्था। और इनने उन्हीं के कहने से माने हमें सस्पेंड भी करा दिया, तो हम 45 दिन तक हम सस्पेंड रहे। अब सस्पेंड